जी, सो वी हैड डन समथिंग अबाउट द थ्री लेयर्स, राइट। हमने पिछली बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की थी, एम्ब्रियो में कैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बना था, फिर वो आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते, राइट। ये सब हमने किया था। उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा से, यूट्रस वॉल से कैसे अटैच होता है वो हम बताएंगे। तो हम बात करते हैं इन प्लेसेंटल मैमल्स, फीटस इज अटैच्ड टू यूट्रस, टू प्लेसेंटा। तो व्हाट इज प्लेसेंटा? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अब लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में देखो प्लेसेंटा की कॉम्पोजिशन क्या है। टिपिकल प्लेसेंटा जो ओरिजिन होता है, टिपिकल प्लेसेंटा है सिक्स लेयर्स। कौन कौन सी सिक्स लेयर्स है? ये है देखो, ये है मेटरनल टिश्यू, दिस इज मेटरनल टिश्यू, और यहां से लेकर यहां तक दिस इज फीटल टिश्यू। मेटरनल टिश्यू की कौन सी लेयर्स है? ये है यूट्राइन एपिथीलियम, दिस इज यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू, एंड हियर दीज आर द ब्लड वेसल्स। क्योंकि हम सेक्शन काट के देख रहे हैं तो हमें इस तरह से ब्लड वेसल्स निकलती है विच आर लाइंड बाय एंडोथेलियम। इसी तरह फीटल टिश्यू क्या है? सबसे बाहर आ जाता है बेटा कोरियोल, फिर है फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फिर फीटल ब्लड वेसल्स लाइंड बाय फीटल एंडोथेलियम। अब यहाँ पे भव्य इधर देख बेटा ध्यान से, कि जो फीटल ब्लड है उसने मेटरनल ब्लड से न्यूट्रिशन लेनी है, मेटरनल ब्लड से उसने ऑक्सीजन लेनी है, डिफरेंट मिनरल्स लेने हैं, और उसने मेटरनल ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, मेटरनल ब्लड को उसने अपना वेस्ट मटेरियल दे देना, राइट। तो अब फीटल ब्लड और मेटरनल ब्लड के बीच में कितने बैरियर्स है? The typical placenta is formed of six layers, या फिर हम ब्रैकेट में कह सकते हैं फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड सेपरेटेड बाय सिक्स लेयर्स। टिपिकली ये ह्यूमंस की बात नहीं हम कर रहे, ये टिपिकल प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज टिपिकल प्लेसेंटा। कौन सी सिक्स लेयर्स है? अगर आप देखें ये फीटल ब्लड, ये मैटरनल ब्लड, सबसे पहले एंडोथेलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, कोरियोन, यूट्राइन एपिथीलियम, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू एंड यूट्राइन एंडोथेलियम, फिर आ जाता है मैटरनल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड में ये सिक्स लेयर्स है, सिक्स बैरियर्स है, ठीक है। बट इन ह्यूमंस कौन सा प्लेसेंटा है? हीमोकोरियल। डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटास है, किसी में छह की छह लेयर्स इंटैक्ट है, किसी में पांच लेयर्स इंटैक्ट है, एक लेयर डिसॉल्व हो गई, किसी में चार लेयर्स, तीन लेयर्स, दो लेयर्स, एक लेयर, इस तरह से है। ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस में हम बात करते हैं हीमोकोरियल। हीमो मीन्स ब्लड, कोरियोन तो आपको पता ही है, इसका मतलब है कि मदर का ब्लड है और फीटस की कोरियोन और बाकी की लेयर्स, राइट। सो दिस मीन्स मैटरनल प्लेसेंटल बैरियर्स, अगर हम कहें बैरियर गेट डिसॉल्व, ऑल थ्री फीटल लेयर्स आर इंटैक्ट, दैट इज कौन सी? कोरियोन,
connective tissue and endothelium of the fetus. ठीक है, ये तीनों के तीन इंटेक्ट है, ये डिसॉल्व हो गया, राइट? सो कोरियन फॉर्म्स, ये कोरियन है, इट फॉर्म्स विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई विच बेथ डायरेक्टली इन द फीटल ब्लड. ये वाली वॉल डिसॉल्व हो गई, ये डिसॉल्व हो गया, ये सिर्फ फीटल ब्लड है, इसमें कोरियोनिक विल्लाई डायरेक्टली बेथ कर रही है. और ऐसे लगता है कि जो मैटरनल टिश्यू है, मतलब मैटरनल ब्लड है, और फीटल की लेयर्स है या फीटल का कोरियोन है, दे फॉर्म इंटरडिजिटेशन, एकदम एक दूसरे के साथ बंधे हुए है. तो कोरियोनिक विल्लाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे के बीच में फंसी होती है, विद ईच अदर टू फॉर्म द प्लेसेंटा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, दीज आर कोरियोनिक विल्लाई, और यहाँ पे ये सारा क्या है, दिस इज मैटरनल ब्लड. सारा टिश्यू जो है लेयर्स ये डिसॉल्व हो गई है, और क्या बचा हुआ है, सिर्फ ये सारा, अगर आप देख रहे हो, दिस इज होल मैटरनल ब्लड. तो दे फॉर्म इंटरडिजिटेशन. दिस इज मैटरनल ब्लड, इज इट राइट? सो दिस इज, ये जो चीज है, ये जो है, this is placenta, right? Chorion and chorion के साथ ये तो चीजें है ही है, that is connective tissue and fetal blood vessel, ये तो है ही है. So, but chorion is in direct contact with the maternal blood, तो इसलिए हमने कह दिया hemochorial placenta. And the placenta is connected with the fetus. ये fetus है. This is fetus by umbilical cord. This is umbilical cord, right? And this fetus is embedded in the amniotic sac. ये आपको पता है. Is it right? ठीक है. उसके बाद deciduate placenta and all that, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले आप ये लिखेंगे. First write down please this definition. Then write down this. यहाँ तक. ये नहीं बनाना. यहाँ तक ये बना. ये चीज करो. फिर hemochorial placenta. ये लिखो. फिर मैं ये जब आपके बना लोगे, फिर मैं इसके साथ कुछ और बनाऊंगी, तब ये वाला डायग्राम बनाना. ठीक है, पहले राइट डाउन प्लेसेंटा, इसकी डेफिनेशन, टिपिकल प्लेसेंटा ये वाला डायग्राम, और फिर हीमोकोरियल प्लेसेंटा की मतलब फीचर्स लिखे. इज इट ओके? ठीक है, ये करो, फिर मैं आगे बताती हूँ. ठीक है बच्चों, करें आगे, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. डायग्राम बना बस ये अलग से, तो अच्छा ये बनाना है आपने, ये बना लो थोड़ा सा, एक और सुन लो, फिर बाद में कर लेना. डिसिडुएट प्लेसेंटा, ठीक है, ये देखिए, ड्यूरिंग डिलीवरी इन ह्यूमन, डिलीवरी किसकी, बच्चे की डिलीवरी बाहर, फीटल प्लेसेंटा, ध्यान से मेरी बात सुनो इधर, कम्स आउट विद फीटस एंड आफ्टरवर्ड्स
मेटरनल प्लेसेंटा कुछ देर बाद, है ना, 10 मिनट 15 मिनट बाद मेटरनल प्लेसेंटा इज ऑल्सो शेड आउट. सच प्लेसेंटा इस प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, डिसिडुएट प्लेसेंटा, जहां पे फीटल तो बाहर आना ही आना है, जहां पे मेटरनल प्लेसेंटा भी बाहर शेड ऑफ हो जाए. अब यहाँ पे ये आप बॉक्स में लिखोगे रेड पेन, तो मेरे पास रेड पेन में इंक थोड़ी है इसलिए मैं ब्लैक से लिख लू, बट यू विल डू इन जेब्रा एस एक्सेट्रा. एस मतलब गधा, ठीक है. द फीटल प्लेसेंटा इज शेड आउट बट मेटरनल प्लेसेंटा जो इतना थिक हुआ हुआ था इज एब्सॉर्ब इन द बॉडी और धीरे धीरे वो खुद ही थिन हो जाता है. सच प्लेसेंटा इसको हम कहते हैं इनडिसिडुएट प्लेसेंटा. डिसिडुआ डिसिडुएट का मतलब होता है गिर जाना, बाहर फेंक देना. इन डिसिडुएट प्लेसेंटा. एंड वन मोर थिंग, डिसिडुआ क्या चीज है? डिसिडुआ इज मेटरनल एंडोमेट्रियम. अगर डिसिडुआ बाहर आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिसिडुएट प्लेसेंटा. अगर मेटरनल एंडोमेट्रियम या डिसिडुआ अंदर ही रह जाए तो उसको हम कहते हैं इनडिसिडुएट प्लेसेंटा. और ह्यूमंस में कौन सा प्लेसेंटा है? डिसिडुएट प्लेसेंटा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रोल ऑफ प्लेसेंटा. इधर ध्यान से ये सुनो फिर बनाना. नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ प्लेसेंटा. सबसे पहले जो है फीटस ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू प्लेसेंटा. दूसरी बात, फीटस ऑब्टेन ऑक्सीजन अगेन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू प्लेसेंटा. अनदर इज CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट of fetus are passed out into mother's blood to placenta. And another is जो प्लेसेंटा है इसको हम और क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड. टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जब तक प्लेसेंटा है तभी तक ये ग्लैंड है, अदरवाइज ये नहीं है. एंड सिक्रीट्स
hormones सच है. सबसे पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? दैट इज HCG. ह्यूमन आपने खुद लिखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन. Then estrogen, then progesterone. These are some of the hormones secreted by the placenta. ठीक है जी, ये है right. So these are the roles. So यहाँ पे star डाल के हमारे पास थोड़ी सी जगह है. दस प्लेसेंटा एक्ट्स एज एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स एंड किडनीज एंड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ फीटस. बेटा जब तक बच्चा अंदर है तब तक उसका एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल नहीं होता, लंग्स फंक्शनल नहीं होते, एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शनल नहीं होता. ये लास्ट में जाके, लास्ट प्रेगनेंसी में जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा फंक्शनल होता है, और जब बाहर आता है लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम तो तभी फंक्शनल होते हैं. लंग्स तो खुलते ही तभी है जब बच्चा बाहर आता है और वो रोता है. इज इट राइट? सो दीज आर द रोल्स ऑफ द प्लेसेंटा. इज इट ओके? ठीक है, अब ये बना भी लो और फिर ये लिख लो. दोबारा से मैं बता रही हूं कि जो सब्सटेंसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन, ये देखो ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड का. ठीक है, इसके अंदर फीटल की ब्लड वेसल्स है, वो यहां से सामान ले रही है और इधर से वेस्ट इधर भेज रही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वर्किंग अकर्स बिटवीन फीटस एंड मदर. चलिए बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कुछ तो मैंने बताया, कुछ और बताएंगे. हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से हॉर्मोन्स है? HCG आपने फुल फॉर्म लिखी है कि नहीं? लिख लो साथ साथ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, अनदर इज रिलैक्सिंग, अनदर इज ऑक्सीटोसिन, अनदर इज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्टिसोल थायरॉक्सिन
एंड प्रोलैक्टिन। बेटा ये जो हॉर्मोन्स है ये सब प्रेगनेंसी या एंड ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स है ये चार, दीज आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेयर एज ये जो है देयर अमाउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरली ये जब प्रेगनेंसी नहीं भी है तब भी सिक्रीट होते हैं। इवन प्रोलैक्टिन नॉन प्रेगनेंट फीमेल्स है जिनके बच्चे बड़े भी हो गए उनमें भी थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है। बट ये सब इनका अमाउंट जो है देयर अमाउंट इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम इनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि ये जो चार हॉर्मोन्स है ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो तीन है दीज आर सिक्रीटेड बाय कोरियोन या हम कह सकते हैं प्लेसेंटा। जो रिलैक्सिन है बाय कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या होता है कॉर्पस एल्बिकेंस? दैट इज यहां पे पता होना चाहिए कॉर्पस। इसमें कोई भी और कोई हॉर्मोन फीटस नहीं सिक्रीट कर रहा है। ये तीन हॉर्मोन्स कोरियोन या प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है, बाकी सभी हॉर्मोन या तो प्लेसेंटा या मेटरनल टिश्यू सिक्रीट कर रहे हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस इज डीजेनरेटेड कॉर्पस लूटियम। Which becomes functional at the end of pregnancy. ठीक है, corpus luteum of ovary, इसका मतलब क्या है? जो relaxin है वो कौन सिक्रीट कर रहा है? ओवरी सिक्रीट कर रही है। ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन शुरू में ओवरी एंड प्लेसेंटा, उसके बाद प्लेसेंटा, कॉर्टिसोल मैटरनल एड्रिनल, थायरॉक्सिन मैटरनल थायरॉइड एंड प्रोलैक्टिन मैटरनल पिट्यूटरी। ये सब सिक्रीट करते हैं। इज इट राइट? एंड रिमेंबर दैट ऑल दीज हॉर्मोन्स क्या फंक्शन है? Are required for first है maintaining pregnancy, second आ जाता है growth of fetus, और थर्ड आ जाता है रेगुलेटिंग मैटरनल मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि बहुत कुछ चेंज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर में, उसकी बॉडी में सब कुछ चेंज हो रहा है बिकॉज शी हैज टू यू नो फॉर्म अनदर बॉडी इन इट सेल्फ या इन हर सेल्फ, तो इसलिए बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। ये सब हॉर्मोन्स उन चेंज्ड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के काम आती है। ठीक है, तो अब क्या बात हो जाती है कि बच्चों को ये नहीं समझ आता कि जो रिलैक्सिन है वो कौन सिक्रीट कर रहा है। तो याद रखना चाहिए कॉर्पस एल्बिकेंस या कॉर्पस ल्यूटियम जो भी सिक्रीट कर रहा है वो किसका पार्ट है, ओवरी का पार्ट है, राइट। तो ये लिख लीजिए हॉर्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लिख लो फटाफट। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। HCC, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन, इट हेल्प्स इन पार्चुरिशन। पार्चुरिशन मीन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, PARTURITION। नेक्स्ट है रिलैक्सिन, इट हेल्प्स इन वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस बाय रिलैक्सिंग प्यूबिक सिंफाइसिस, बाय रिलैक्सिंग प्यूबिक सिंफाइसिस दस कॉजिंग वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स को खुला करते हैं ताकि फीटस पास हो सके, दस कॉजिंग वाइडनिंग ऑफ या डायलेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन पार्चुरिशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन पार्चुरिशन बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ये बच्चा है तो यहां से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी नीचे की तरफ ताकि बच्चे को नीचे धकेल सके, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू पुश द बेबी थ्रू सर्विक्स, टू पुश आउट द फीटस थ्रू सर्विक्स। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स प्लेसेंटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्लेसेंटा। कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन मेंटेन्स चेंज्ड मेटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन मेंटेन चेंज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ मदर। प्रोलैक्टिन कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मिल्क, कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स, इन मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। ठीक है बेटा, मुझे बताओ सबने ये लिख लिया? शिवांशी आर यू डन? मैम नो मैम। लिख लो फिर। यस मैम। ओके हो गया, चलिए अर्नब हो गया, मयंक आपका हो गया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा।
events, major events. Of embryonic development. होती तो बहुत सारी चेंजेस है, हर टाइम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है, बट हम मेजर इवेंट्स की बात करें. फर्स्ट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. बेटा अब तो बहुत सारी चीजें होंगी कि अल्ट्रासाउंड कराओ एंड ऑल दैट. पहले टाइम में है ना, हमारे पेरेंट्स के टाइम में तो क्या होता था कि वो क्या करते थे, मेरे पेरेंट्स के टाइम में ऑब्वियसली तो क्या करते थे, स्टेथोस्कोप से सिर्फ बच्चे की हार्ट बीट सुनते थे. ठीक है, उससे उन्हें पता चल जाता था कि बच्चा ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है, दैट इज हार्ट बन जाता है. सेकेंड है एंड ऑफ सेकेंड मंथ, क्या हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लिम्स. एंड ऑफ थर्ड मंथ, दैट इज डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. थर्ड मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या हो जाता है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मोस्ट ऑफ द organ systems are formed. Functional हुए या नहीं हुए but बनने शुरू हो जाते हैं. एंड ऑफ फिफ्थ मंथ पहली बच्चे की मूवमेंट नजर आती है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस. उसके बाद बच्चा मूव करना शुरू हो जाता है, पता चलता है कि बच्चा मूव कर रहा है. सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन हेड. नेक्स्ट आ जाता है एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 24 वीक्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद क्या हो रहा है, कंप्लीट बॉडी कवर्ड बाय हेयर. Eyelashes develop. Eyelashes भी बन जाती है. और तीसरा eyelids get separated. आंखें उसकी खुल जाती है. Eyelids जब है, eyelids separate हो जाएगी तो आंखें जो है उसकी पूरी खुल जाती है. And at the end of 9 months, ये मैं इधर वाला separate रब कर दूंगा. और सिक्स्थ है एंड ऑफ 9 months फुल मैच्योर फीटस
gets formed, ready for birth, जो है ये हो गया, right? So these are the various changes. These are the major events. और भी बहुत सारी चीजें हैं, but these are the major events which occurs during pregnancy. करो लो. नेक्स्ट टर्म आ जाती है बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है पार्चुरेशन. बच्चा मैच्योर हो गया है, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, और फिर अब नाउ द फीटस इज रेडी टू कम आउट, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. प्रेगनेंसी पीरियड, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, जेस्टेशन पीरियड. इट इज 36 प्लस माइनस 1 वीक. ठीक है जी, और यू कैन से 9 months. राइट, अब क्या है, ध्यान से सुनना है, पहले पेन नीचे रख दो. एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, नाइन मंथ्स कंप्लीट हो गए, थोड़े ऊपर नीचे जो भी है, क्या हो रहा है, फुली मैच्योर फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड सिग्नल्स कुछ सिग्नल्स क्रिएट करते हैं विच कॉजेस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. थोड़ी थोड़ी सी पेन शुरू होती है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, और ये पता चल जाता है कि अब बच्चे का होना, मतलब अब कुछ टाइम में, एक दिन में, डेढ़ दिन में, दो दिन में बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट मैटरनल पिट्यूटरी, इसको स्टिमुलेट करती है. तो मैटरनल पिट्यूटरी सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, विच कॉजेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फिर स्टिमुलेट करती है मैटरनल पिट्यूटरी को, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, कॉजेस लेबर पेन. दूसरी तरफ स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ रिलैक्सिंग
ये रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सेस क्यूबिक सिंफाइसिस एंड दस डायलेट्स सर्विक्स, जो सर्विक्स जो अपर्चर है वो डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, राइट right? इस लेबर पेन्स की वजह से क्या हो रहा है, कॉजेस रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक सैक, ठीक है, और इससे क्या है, सबसे पहले बच्चा बाहर आने से पहले बहुत सारा फ्लूइड बाहर आता है सर्विक्स और वजाइना से, और वो फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड पासस आउट। हर किसी का सिग्निफिकेंस है, ये क्यों पास आउट हो रहा है, क्यों पहले आता है, विच लुब्रिकेट्स बर्थ कैनाल, ताकि जब बच्चा बाहर आए तो फ्रिक्शन के कारण बच्चे की सॉफ्ट स्किन है, सब कुछ इतना मतलब बहुत सॉफ्ट है, वो डैमेज ना हो, इसलिए जो है ये फ्लूइड जो है बाहर आता है और उस सारे को लुब्रिकेट कर देता है। इससे और क्या हो रहा है, इट पुशेस द फीटस डाउन, वर्ड्स फर्स्ट हेड एंड देन रेस्ट ऑफ फीटस कम्स आउट टू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किससे बनती है, वजाइना से और सर्विक्स से, तो बर्थ कैनाल इट्स अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, क्योंकि वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, उसको काटते हैं एंड द फीटस इज सेड टू बी डिलीवर्ड। जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तब हम कहते हैं कि अब फीटस जो है फाइनली डिलीवर हो गया, इज इट ओके। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, लेबर पेन शुरू होगी, तो सबसे पहली स्टेज है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड स्टेज है दैट इज कमिंग आउट ऑफ फीटस, डिलीवरी ऑफ द फीटस, एक्सपल्शन स्टेज। फर्स्ट स्टेज आती है डायलेशन स्टेज, डायलेशन स्टेज में डायलेट हो गया, पानी बाहर आ गया। दूसरा है एक्सपल्शन स्टेज, जब फीटस बाहर आ गया। और तीसरी स्टेज होती है आफ्टर बर्थ, जब दोबारा से फीटस बाहर आ गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी रुक गई, बट 10-15 मिनट बाद दोबारा से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड द डिसिडुआ दैट इज यूट्राइन एंडोमेट्रियम इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लॉट ऑफ ब्लड and that is called as afterbirth, right? So third stage is afterbirth. Teen stages hai parturition mein, first hai dilation stage, second hai expulsion stage aur teesri hai afterbirth stage. Ye main likhwaungi but aap pehle ye note kare. Excuse me ma'am. Ma'am ek compulsory. So now write down. Parturition has three stages. Parturition has three stages. First is stage of dilation, stage of dilation. इसमें लिख लो
under the influence of oxytocin. Oxytocin and relaxin, comma, there starts uterine contractions. And dilation of cervix. Dilation stage extends between induction of liver pains and complete dilation of cervix. During this stage, amniotic sac gets ruptured. Amniotic sac gets ruptured and amniotic fluid start passing out through vagina. Second hai, expulsion stage, the stage between complete dilation of cervix and passing out of fetus out. Yeah, passing out of fetus. It is the stage between complete dilation of cervix and passing out of fetus through vagina is expulsion stage. जो dilation stage है इसकी duration 6 to 12 hours है. Expulsion stage 10 minutes to few hours. क्योंकि complex delivery की हम normal delivery की बात कर रहे हैं, हम cesarean की operation वाली नहीं बात कर रहे. और third आ जाता है बेटा after birth. After the delivery of the fetus, again, powerful contractions of the uterus occurs, due to which maternal placenta called as decidua also comes out through vagina. After the birth of the baby, the fetus, comma, again strong uterine contractions start, due to which uterine placenta called as decidua passes out through vagina. This is called as afterbirth. ठीक है जी, तो ये पार्चुरिशन की कुछ स्टेजेस है. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आ जाता है बेटा लैक्टेशन.
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स occurs under influence of progesterone. Prolactin causes secretion of milk. Before and after pregnancy, prolactin पहले भी memory gland before birth भी secrete होता रहता है. Milk accumulates in, you know, ampulla. Ampulla of mammary glands. After parturition, oxytocin causes release of milk. Prolactin is milk secreting hormone. Oxytocin is milk releasing hormone. Milk secreted for few days after birth is colostrum. ये milk नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, रिच इन प्रोटीन्स, पुअर इन फैट्स. और कौन सी एंटीबॉडी बेटा? Mainly है इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी. मेन है ए, ठीक है. तो ये क्या करती है? ये येलो कलर्ड का होता है, इट इज येलो कलर. क्योंकि बेटा देखो, भगवान ने जो है ना, नेचर ने, भगवान कहें, नेचर कहें, जो मर्जी कहो, कि नेचर ने सब कुछ बड़ा प्लान किया हुआ कि अभी इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर आएगा बच्चा. बच्चे का इम्यून सिस्टम तो डेवलप ही नहीं हो, तो उसको इम्यूनिटी कैसे दे, है ना. वैक्सीनेशंस तो हमने डेवलप कर ली कि आते सार बच्चे को बीसीजी ठोक दो, पोलियो दे दो, डीपीटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो. बट नेचर नहीं कहती वैक्सीन दो, वो कहती मैंने इंतजाम खुद किया हुआ है, बस बच्चे को तुम दूध पिलाते रहो, ठीक है. तो वो पहले कुछ दिन जो है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, कहते थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, प्रोटीन्स है, कुछ है, मैं दे रही हूँ न्यूट्रिशन. बट मैक्सिमम इसको हमने बाहर, इतना खुला एनवायरनमेंट है, इतने माइक्रोब्स है, इतना सब कुछ है, उससे बचाना है. तो उससे कैसे? उसने दूध में क्या डाल दिया? IgA एंड IgG, ठीक है. तो हम कहते 3 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चे का खुद जो है इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए. इज इट राइट? ठीक है. तो दिस इज, एंड आफ्टरवर्ड्स मिल्क इज सेपरेटेड, ठीक है. तो ह्यूमन मिल्क जो है has, ऐसा नहीं है कि उसके बाद एंटीबॉडीज होती नहीं है, कुछ दिनों के बाद भी एंटीबॉडीज तो हो ही रही है, बट
पहले तो बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है कुछ दिन तक, उसके बाद तो सब बैलेंस्ड हो जाता है। तो मिल्क शुगर, लैक्टोज, प्रोटीन, केसीन, एंटीबॉडीज मेनली कौन सी है, IgA, हैज कैल्शियम, लेस फैट्स, लो आयरन, नो विटामिन। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन कैनोलोडी। तो जल्दी the differentiation of mammary glands and secretion of milk during and after pregnancy is called as lactation. और lactation की duration नहीं हम decide कर सकते, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर किसी का नहीं भी note हुआ तो सुन लो पहले, फिर पढ़ लेना। last की point है कि मिल्क सिक्रीशन कॉन्टिन्यूस टिल इट कम्स आउट, जब तक। अब देखो गाय भैंसे है ना, हम क्या है, इनका दूध, इनका बच्चा हुआ, दूध सिक्रीशन शुरू हो गई, उसके बाद चलता रहता है, बच्चा दूध पिए ना पिए ये दूध सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों, देखो जरा, इफ मदर स्टॉप्स फीडिंग द चाइल्ड किसी भी एज पे, मिल्क एक्यूमुलेट्स इन एम्प्यूला। Has milk has inhibitory peptide when inhibitory peptide get accumulated, दूध बाहर निकला ही नहीं, दूध अंदर ही जमा हो रहा है, हो रहा है ब्रेस्ट में, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो इनहिबिटरी पेप्टाइड भी तो एक्यूमुलेट हो रहा है। इट इनहिबिट्स मेमोरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट मिल्क। ये बेटा हमारी मदर्स को, हमारे जो भी ओल्डर पीपल है उन्हें ना रीजन तो ये पता हो या ना हो, लेट अस से बच्चा अभी कुछ महीनों का ही है और मदर बीमार हो गई, ठीक है, उस केस में जनरली हम क्या देते हैं, डॉक्टर कई बार कहते हैं कई बार नहीं, बट चलो किसी ने कह दिया कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना क्योंकि मदर वीक है, मदर की न्यूट्रिशन नहीं जा रही है या मदर बीमार बहुत है, तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना। बट उस केस में भी क्या कहते हैं कि ब्रेस्ट को प्रेस करके किसी तरह से जो उसमें अंदर मिल्क जमा है वो निकाल दो, नहीं तो अगर नहीं निकालोगे तो दूध आना बंद हो जाएगा और बच्चा भी बहुत छोटा है, बीमारी तो 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते की है, उसके बाद बच्चे को दूध तो पिलाना ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो दूध बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो जमा हो जाएगा और दूध आना कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, वो कितनी देर का भी हो, कुछ कुछ मदर का क्या होता है या कुछ बच्चे क्या है, 2-2 साल भी अपने मदर का दूध पीते रहते हैं, कुछ और भी खाते हैं बट साथ में वो मदर का मिल्क भी पीते रहते हैं, ठीक है, और तब तक आता रहता है। और कुछ भी क्या है कि 5-6 महीने बाद मदर ने बाहर जॉब करने जाना है, कुछ करने जाना है, 6 महीने तक उसकी छुट्टी खत्म हो गई है, तो देन शी हैज टू स्टॉप फीडिंग द चाइल्ड। तो उस केस में क्या है, धीरे धीरे दूध आना बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है ये मैंने आपको बता दिया। तो लो ड्यूरेशन, जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा तब तक मिल्क सिक्रीट होता रहेगा,
इसलिए नेचर ने, हम ये कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसके खाने का इंतजाम भी नेचर ने किया हुआ है, ठीक है। बट फिर भी हमें सोचना चाहिए कि पूरी उम्र तक का नहीं भी वेले बैठ के कोई खा सकेगा, कुछ टाइम तक, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब छोटा सा बच्चा है, जब तक वो कुछ और खाने लायक नहीं है, तब तक नेचर ने उसका इंतजाम किया हुआ है कि वो मदर के मिल्क पे कम्प्लीटली जो है वो रह सकता है। एंड मदर्स मिल्क इज ए कम्प्लीट मिल्क, इट इज ए कम्प्लीट डाइट फॉर द फीटस, इज इट ओके, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट बेटा, लिख लो अभी।